हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, आज हमारे पास है एथर 450X। तो आज अपन इसका रिव्यू करते हैं, जानते हैं इस गाड़ी के बारे में पूरा ही कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती है, किस तरीके के इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहले बात की जाए हमारी एथर 450X की, तो आप लुक्स देख सकते हो। लुक्स में आपको एक पूरा वीडियो यहाँ पे दिख रहा होगा। इस लुक्स में आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको फ्रंट में मिलती है एक LED लाइट जो कि काफी कमाल की लगती है। इसका मतलब स्टार्टिंग का लुक थोड़ा सा हमारे को तीखा सा मिलता है। आप ये देख सकते हो इसके अंदर जो मरगार्ड है इसका, ये साइड के अंदर साइड की जो ये लगा रखे हैं, मतलब लुक ओवरऑल देखा जाए तो इसका एक अलग सा लुक है, थोड़ा सा स्पोर्टी टाइप का लुक है, जैसा कि हमारे को ओला के अंदर नहीं मिलता। ओला का थोड़ा सिंपल सा लुक है, इसका थोड़ा स्पोर्टी टाइप का लुक है। बैक साइड में देखा जाए तो आपको दिखा देता हूँ, बैक साइड में आप देख सकते हो एथर की ब्रांडिंग, साथ में लाइटिंग जो कि काफी कमाल लगती है। लाइटिंग अभी अपन ऑन करके दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइटिंग भी काफी कमाल की है। नंबर प्लेट सिस्टम यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे आपको मैं नीचे की साइड दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो व्हील्स है 90mm के व्हील्स है, जिसके अंदर डिस्क ब्रेक लगाया हुआ है। डिस्क ब्रेक भी काफी ठीक लग रहा है। और यहाँ पे आपको सिंगल शॉकर ही मिलता है इसमें बैक साइड में, तो लेकिन आगे आपको डबल सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसमें आपको देखने को मिलता है डबल सस्पेंशन, और डिस्क ब्रेक फ्रंट में भी है बैक में भी है। और अब बात की जाए इसकी डिक्की स्पेस की, तो इसका डिक्की अपन खोल के देख लेते हैं एक बार। जैसे इसकी आपको डिक्की खोल के दिखाता हूँ, डिक्की इसकी खुलती है चाबी से, इसके अंदर चाबी लगती है। चाबी कहाँ लगती है यहाँ पे दिखा देता हूँ, इधर आओ एक बार। तो यहाँ पे इसके अंदर चाबी लगती है, चाबी से अपन इसको डिक्की को ओपन करते हैं। तो डिक्की ओपन करोगे तो यहाँ पे इसके अंदर मिलता है एक हेलमेट, जो कि एथर कंपनी का ये है। हेलमेट की क्वालिटी इज मच बेटर देन अदर कंपनी में बात करूँगा मैं अगर ओला की ही, तो ओला से भी बेटर मुझे एथर कंपनी का ये हेलमेट लगता है। अगर बात की जाए इसकी बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस इसके अंदर मिलता है आपको 22 लीटर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर भी ब्रांडिंग हो रखी है 450X, और यहाँ पे भी कुछ है जिसको अपन हटा नहीं सकते। और यहाँ पे ये चीज़ें हैं, अंदर एक लाइटिंग भी मिलती है, तो ये भी एक अच्छा फीचर है कि आपको नाइट में कोई इशू है, नाइट में आपको बूट स्पेस खोलना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर नाइट में भी। और यहाँ पे आपको ये जो तरीका ये जो मिलता है, इसको हम सोचते हैं ना क्या है, तो यहाँ पे डिक्की स्पेस के हिसाब से, यहाँ पे इसको कम्फर्ट के हिसाब से दे रखा है। इसका आप सीट स्पेस देख सकते हो, सीट स्पेस जो है इसका वो यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट पर्सन के लिए तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन जो पीछे बैठने वाला व्यक्ति है उसके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो पीछे थोड़ा सा स्पेस कम है। अब बात करते हैं अपन इसके डिस्प्ले की, तो आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ। डिस्प्ले पे आ जाओ आप, तो यहाँ पे जैसे हम गाड़ी ऑन करते हैं, चाबी से ऑन करनी है, तो चाबी से ऑन करते ही ये यहाँ पे दिखाती है अपने को राइड मोड। राइड मोड में ये 84% ये बैटरी चार्ज है, जिसमें 71 किलोमीटर चलेगी राइड में। अगर इसको हम इको में देखते हैं तो 87 किलोमीटर, राइड में 71, स्पोर्ट में 63, और इसका एक और जो टॉप मोड है रैप, इसके अंदर चलती है 55 किलोमीटर। ये जो गाड़ी है अभी चल चुकी है 3426 किलोमीटर। इसका एग्जैक्टली जो रिव्यू है मैं आपको लेके आऊंगा अगले वीडियो के अंदर, जहां पे जिस व्यक्ति की ये गाड़ी है वो एग्जैक्टली आपको रिव्यू में बताएंगे, एकदम जेन्युइन रिव्यू, ऑथेंटिक रिव्यू। उन्होंने हमारी ओला भी चलाई, उनके साथ भी हमने रिव्यू किया, तो वो भी आपको एग्जैक्टली मिलने वाला है। और वहीं आपको यहाँ पे आप दिखा देता हूँ, आप आ गया हो पार्क असिस्ट का मोड। तो पार्क असिस्ट पे क्या है, जैसे अपने गाड़ी पहले ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद इसमें पार्किंग जो सिस्टम है, यहाँ आपको रिवर्स और फॉरवर्ड मिलता है। जैसे अभी गाड़ी यहाँ पे रिवर्स में जा रही है, और अगर आपने ब्रेक दबा के पावर बटन दबाया तो गाड़ी आपकी जाएगी फॉरवर्ड पे। तो ये एक अच्छा फीचर है कि आप पार्किंग करने में आपको दिक्कत नहीं होती है। फॉरवर्ड के अंदर आपको 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाती है, और बैक साइड रिवर्स करते हो तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाती है। तो यहाँ पे आप अगर इसके और फीचर देखोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जनरल सेटिंग्स, एरर, ब्लूटूथ डॉक्यूमेंट्स, और शट डाउन का ऑप्शन जो है वो। तो ये भी एक अच्छे फीचर है, यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल मिल जाती है कि किसकी गाड़ी है, सब कुछ VIN नंबर क्या है, सॉफ्टवेयर का क्या है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है, टायर की इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भी शो हो जाती है। अभी अपन रख देते हैं इसको, तो अभी हम बात करते हैं इसकी मोटर की। तो इसके अंदर आपको बैल ड्रिवन मोटर नजर आती है, जो कि काफ़ी अच्छी मोटर बताई जाती है, क्योंकि बैल ड्रिवन मोटर क्या है कि जैसे ज़्यादा पानी के अंदर आप लेके चले गए तो वहाँ पे अटकेगी नहीं, अदरवाइज आप जो हब मोटर देखते हो वो अटक सकती है। अब अगर इसकी बैटरी की बात की जाए, तो इसके अंदर बैटरी जो है वो 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी लगी हुई है। तो 3.7 किलोवाट की जो बैटरी है, इसी की वजह से इसके अंदर जो पावर है, पिकअप है, वो काफ़ी बेहतर नजर आता है दूसरी EVs के मुकाबले। अगर मैंने इसको भी चला के देखी थी तो मेरे को नॉर्मल मोड के ऊपर भी काफ़ी अच्छा पिकअप देखने को मिला, और इसका जो टॉप मोड है रैप, उसके अंदर तो खतरनाक ही पिकअप है। अब अपन बात करते हैं इसकी एसेसरी जो इन सब की, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर एसेसरी, इसमें भी कुछ आपको एक्स्ट्रा नजर नहीं आती है, ये वाला गार्ड आपको नजर आ जाएगा। लेडीज फुटरेस्ट इसमें भी नहीं है, लेडीज अगर कोई बैठती है तो उसको यहीं पे पैर रखना पड़ेगा। और वहीं बात की जाए तो फ्रंट के अंदर भी कोई ऐसी एसेसरी अवेलेबल नहीं है अभी तक भी। और आपको इसका चार्जिंग पॉइंट दिखाता हूँ, इसके अंदर चार्जिंग का जो है ना वो यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे ये हटाया और यहाँ से चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके अंदर चार्जिंग का पॉइंट यहाँ मिलता है। और यहाँ पे देखो ये क्लिप दे रखा है, जिसके अंदर आप कुछ सामान रखना चाहते हो तो
जैसे ये क्लिप है, यहाँ पे आपको सामान रखना है तो इस क्लिप के थ्रू रख सकते हो। इसका जो यहाँ पे फ्रंट स्पेस दिखता है, तो ये फ्रंट स्पेस पैर रखने के तक का ठीक है, मतलब छोटा स्पेस है। मतलब आप ऐसे सोचो कि यार इसमें कोई टंकी रख के ला सकें, हम गैस की टंकी जो अधिकतर स्कूटीज में लेके आते हैं, तो वैसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ सामान आप रख के ला सकते हो यहाँ पर। तो सारे स्पेसिफिकेशन के बाद जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो वो है प्राइस। तो प्राइस की बात करूं मैं आपसे, तो इसका जो प्राइस है मेरे को थोड़ा सा कॉस्टली लगता है। इसका जो प्राइस है आपको 153,000 तो एक्स शोरूम प्राइस है, और अगर आप ऑन रोड की बात करो तो 170,000 के आसपास पड़ जाती है। उसकी अगर सब्सिडी हटा दें तो 11,000 के आसपास सब्सिडी मिलती है आपको अपनी सिटी के अंदर। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में 11,000 सब्सिडी आती है। तो उसके बाद ये हमारे को 159,000 की पड़ती है, और 159,000 में मुझे लगता है कि इससे बेटर ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको पिकअप चाहिए, अच्छी पावर चाहिए, तो अच्छी पावर और पिकअप नो डाउट इसके अंदर अच्छा है। बाकी अदर कंपनीज को आप ट्राई करना, टेस्ट ड्राइव देना, उसके बाद आपको पता चलेगा। बाकी इसके कंपैरिजन में जो इसी प्राइस रेंज में आती है वो है बजाज चेतक। तो बजाज चेतक का इन फ्यूचर में आपके लिए रिव्यू लेके आऊँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस रिव्यू से रिलेटेड या एथर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके बाय।